इमाम गजाली फरमाते हैं कि आग आज भी बुझाने के दो ही तरीके हैं जो बड़े बड़े रिलायबल हैं, या तो पानी डाल दो वरना मट्टी डाल दो, उससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी। इमाम गजाली कहते हैं जो बंदा वुजू करता है पानी नहीं तो तयम्मुम करता है, ये आग या ये जो मट्टी है ना जहन्नम की आग को इसे बुझा देगी। अच्छा, वैसे जितनी बड़ी आग हो उतना पानी चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर बड़े बड़े टैंकर लगाने पड़ते हैं तब जाके आग बुझती है, वजू का पानी तो बहुत थोड़ा है। फरमाया इतना बाबरकत पानी है कि ये थोड़े से कतरे जो हैं इस बंदे के लिए जहन्नम की आग को बुझा देंगे। फिर इमाम गजाली ने एक और बड़ी प्यारी बात फरमाई, आप फरमाते हैं कि वजू के चार फर्ज क्यों हैं, और भी तो कोई फर्ज हो सकता था। देखो ये सूफिया कराम की हिकमत भरी बातें, इमाम गजाली फरमाते चार अजाब हैं, वजू के फर्ज कितने हैं, चार हैं। गोया रहमत इलाही पुकार रही है, ऐ मेरे बंदों वजू में चेहरा धोया करो, कयामत के दिन चेहरा सिया नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। फरमाया अपने हाथ धोया करो, तुम्हारा नामा अमाल उल्टे हाथ में नहीं तुम्हारे सीधे हाथ में दिया जाएगा। फरमाया सर का मसा और पैर धोया करो, तुम्हें पेशानी से पकड़कर जहन्नम में नहीं डाला जाएगा बल्कि तुम्हारे सर पर जन्नत का ताज सजाया जाएगा। पैर धोया करो, तुम्हारे पैरों में जहन्नम की बेड़ियां नहीं पड़ेंगी, तो पुल सिरात पर तुम्हारे पैर डगमगाएंगे नहीं बल्कि पुल सिरात से तुम आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओ।